चंपावत जिले के बाराकोट विकास खंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेरा की भोजन माता गीता देवी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उन्हें भोजन माता पद से न हटाया जाए। भोजन माता ने मुख्यमंत्री पोर्टल में दर्ज कराई शिकायत में कहा है कि वो स्कूल में खाना बनाने का कार्य करती हैं। बताया कि इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य ने स्कूल में बच्चों की संख्या कम होने के चलते उन्हें हटा दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार में कमाई का एकमात्र सदस्य है। उनके पति का निधन हो चुका है। उनके 5 बच्चों में से 3 बच्चों की शादी हो चुकी है। 2 बच्चे अभी भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। भोजन माता पद पर कार्य रहने के चलते बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकल जाता था, लेकिन अब उन्हें घर चलाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गीता देवी ने बताया कि वो पिछले 17 सालों से 2006 से 2022 तक भोजन माता के रूप में कार्य करते आ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उन्हें भोजन माता के रूप में फिर से काम पर रखा जाए। भोजन माता गीता देवी बोल रही हूँ, पड़ा सुसेरा से। मैं भोजन माता हूँ, मेरे को 17 साल हो गए, मेरे को हटा रहे हैं। मैं हटना नहीं चाह रही हूँ। मैं सरकार से निवेदन कर रही हूँ कि मेरे को रखे जाए।